हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी ठीक होंगे। आगरा यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी परीक्षाएं नहीं हुई हैं, बीएड सेकंड ईयर के भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, इतने सारे कमेंट्स आप लोगों के आते हैं, तो आप सभी लोगों के लिए यहां पर खुशखबरी आ चुकी है। आपके एग्जामिनेशन कब से होने वाले हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। तब तक आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टार्ट कर लेते हैं आज के ये वीडियो। यहाँ पर आप लोग अपडेट ये देख पा रहे होंगे, सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि वंचित छात्रों की परीक्षाएं अक्टूबर में होने वाली हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन नवंबर तक जारी कर पाएगा परिणाम। करीब 6000 छात्र छात्राओं ने भरा था फॉर्म। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 की मुख्य परीक्षा में शामिल होने से वंचित छात्र छात्राओं की परीक्षाएं अक्टूबर के मध्य तक हो पाएंगी। नवंबर में परीक्षा का जो है परिणाम आप लोगों को मिल जाएगा, उसके बाद आगामी कक्षाओं में आप लोग प्रवेश ले सकेंगे। मुख्य परीक्षा के तत्काल बाद ही परीक्षा में शामिल होने वाले रह गए छात्रों की परीक्षा कराए जाने का निर्णय लिया गया है, जिससे उनका सत्र और पढ़ाई प्रभावित ना हो। मुख्य परीक्षा 17 अगस्त को हुई थी। बीए, बीएससी, बीकॉम और वीकॉम वोकेशनल तृतीय वर्ष की परीक्षाओं के परिणाम यहां पर जारी कर दिए गए हैं। परा स्नातक का परिणाम जारी हो गया है, उस हिसाब से परीक्षा फॉर्म भरने से रह गए छात्र पिछड़ रहे हैं। तो यहाँ पर ये आप लोगों के लिए अपडेट आया है। परिणाम आप लोगों के जल्द जारी किए जाएंगे। परीक्षा के लिए अधिकतर प्रश्न पत्र तैयार हो चुके हैं और 3-4 दिनों में तैयार हो जाएंगे जो बचे हुए हैं। इन छात्राओं की परीक्षाएं अक्टूबर के दूसरे या तीसरे सप्ताह में शुरू करा दी जाएंगी। छात्रों की संख्या कम है, इनका परिणाम जल्दी घोषित भी किया जाएगा। ये बात कही गई है डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय के अजय कृष्ण यादव जी की तरफ से, जो कि परीक्षा नियंत्रक हैं। अब बात कर लेते हैं बीएड की परीक्षाओं को लेकर क्या यहाँ पर अपडेट आई है। यहाँ पर ये अपडेट आप लोग देख पा रहे होंगे, पुनः परीक्षा का परिणाम आने के बाद बीएड द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं करवाई जाएंगी। यहाँ पर आप लोग साफ साफ देख पा रहे होंगे, पुनः परीक्षा के में उत्तीर्ण छात्रों को एक्स के रूप में बीएड द्वितीय वर्ष की परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया जाएगा। परीक्षा की समय सारिणी जारी न होने से छात्र छात्रा परेशान हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि जैसे ही पुनः परीक्षा आपकी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आपके बीएड द्वितीय वर्ष की जो परीक्षा का डेट शीट है वो अनाउंस कर दी जाएगी। इसका परिणाम आने के बाद पुनः परीक्षा का जो परिणाम है री एग्जामिनेशन का, जो कि बीएड सेकंड ईयर के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होंगे, तो वो यहाँ पर परीक्षा आपकी करवाई जाएगी। पुनः परीक्षा का जो रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद बीएड सत्र 2019-21 द्वितीय वर्ष की परीक्षा की समय सारिणी न जारी होने से छात्र छात्रा परेशान हो रहे हैं। जानकारी के लिए विश्वविद्यालय की दौड़ भी लगा रहे हैं। ये परीक्षा भी अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में शुरू होने की उम्मीद है। मतलब यहाँ पर आपको बता दिया गया, अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में आपकी बीएड द्वितीय वर्ष की परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी। बीएड से तो 2018-20 द्वितीय वर्ष की पुनः परीक्षा भी अनुत्तीर्ण छात्रों को भी एक्स छात्र के रूप में परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया जाएगा। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक अजय कृष्ण यादव ने बताया कि बीएड द्वितीय वर्ष की पुनः परीक्षा 14 सितंबर को संपन्न हुई थी। 24 से 25 सितंबर तक इनका परिणाम जारी करने की तैयारी है, मतलब आने ही वाला है। परिणाम में जो छात्र अनुत्तीर्ण होते हैं उनको एक्स स्टूडेंट के रूप में बीएड द्वितीय वर्ष की परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। उन्होंने बताया है कि परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद इन छात्रों को परीक्षा फॉर्म भरवाया जाएगा। इसके बाद परीक्षा कार्यक्रम जारी करके परीक्षाएं करवाई जाएंगी। ये परीक्षाएं भी अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। वर्तमान में 2019-21 के द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं की परीक्षा फॉर्म भरवाया जा रहा है। वहीं अब तक परीक्षा का कार्यक्रम घोषित नहीं किए जाने से छात्र छात्र परेशान हैं। वे इसकी जानकारी के लिए विश्वविद्यालय तक आने के लिए मजबूर हैं। आरोप है कि यहाँ भी उन्हें जानकारी नहीं दी जा रही है। तो यहाँ पर ये अपडेट है आपकी जो परीक्षाएं हैं, यहाँ पर आपको पता लग गया होगा कि कब से स्टार्ट होने वाली हैं, कब तक हो सकती हैं। ठीक है, फिलहाल की वीडियो में इतना ही। कोई भी क्वेश्चन है किसी भी तरह का, नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर पहली बार देख रहे हैं, या फिर आप कंटिन्यू देखते हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आपको सबसे पहले सटीक जानकारी यहाँ पर हर चीज़ की दी जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। इसका नाम है फिलो ऐप। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, या कोई कॉन्सेप्ट में आपको डाउट आ रहा हो, बोर्ड के क्वेश्चन हो या फिर हो जेई नीट के, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको पढ़ाई में आ रही है, जिसका सबका सॉल्यूशन है सिर्फ फिलो ऐप। आपको 24/7 अपने डाउट्स यहाँ पर क्लियर करने का मौका मिलता है, बस इन 3 इजी स्टेप्स में। सबसे पहले आप लोगों को इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को अपने मोबाइल नंबर के साथ यहाँ पर साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो, जिसका फोटो क्लिक करें या फिर उसको टाइप करके आप लोगों को यहां पर अपलोड कर देना है। अपलोड होने के 60 सेकंड के अंदर ही आप लोगों को यहां पर इंडिया की टॉप फैकल्टीज पर से लाइव कनेक्ट करा देगा। आप अपने डाउट को यहां पर क्लियर करेंगे।
अगर आपको कोई भी प्रीमियम कोर्स यहाँ पर परचेज करना है तो आप हमारा जो कोड है EAD001 इसको लगा सकते हैं, जिससे आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम है, सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन एक ही ऐप है, जिसका नाम है फिलो ऐप। आप लोगों को जल्दी से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।